अरे यार, हमारी भाषा नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे। आंदोलन का बिगुल राजधानी रांची में होगी और सभी खतियानदारी पहुंच रहे हैं, तो मतलब कि बिहार के लोग यहाँ 10 को आके बैठ जाएंगे, तो उसके लिए भोजपुरी का दर्जा दे दीजिएगा, जिसमें भोजपुरी आप जोड़ दिए, उसके साथ उड़िया जोड़ दिए, उर्दू जोड़ दिए। उर्दू आप बताइए कहाँ से क्षेत्रीय भाषा है, कोई राय जगह ले रहे हैं। बिहार जय झारखंड, जोहार झारखंड। मैं आप लोग को झारखंड के रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो देता हूँ। भोजपुरी मगई का विरोध हुआ था धनबाद बोकारो, तब से मैंने वीडियो बनाने का स्टार्ट किया झारखंड के रिगार्डिंग। फिर 1932 खतियान का जो आंदोलन चल रहा है 8 महीने से, उसका मैं लगातार वीडियो दे रहा हूँ। मेरा आज के इस वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि भोजपुरी मगई जो धनबाद बोकारो से ये आंदोलन चालू हुआ था, कि धनबाद बोकारो में भोजपुरी मगई भाषा ना ही चलतो। उसके बाद जब सरकार देख ली हमारी झारखंडियों की क्षेत्रीय भाषा ये नहीं है, लोगों की आंदोलन देखी, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की देखी कि यहाँ भोजपुरी मगई धनबाद बोकारो में बोला नहीं जाता है, तो फिर वो वापस ले ली। वापस लेने के बाद झारखंड का लोगों का मांग था, हमारी पहचान है 1932 खतियान, यहाँ पे बाहरी लोगों का बोलबाला हो गया है, बिहारी आके अपना यहाँ मतलब कि नौकरियों में जगह ले रहे हैं, बंगाली ले रहे हैं, छत्तीसगढ़िया ले रहे हैं, यूपी वाले ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, तो इसका विरोध करना चालू हो गया। धनबाद बोकारो से लेकर पूरा झारखंड में इसका 1932 का लोग समर्थन किए, और ये बात हमारी पहचान है, और बिहार में भी 1932 लागू है, तो हमारे झारखंड में क्यों नहीं लागू होगी। तो इसको लेकर आंदोलन चल ही रहा था कि भोजपुरी मगई धनबाद से हट ही गया था। उसके बाद हमारी झारखंड की 9 क्षेत्रीय भाषा है, उसके साथ साथ और 9 भाषाओं को जोड़ दी गई, और 9 भाषाएं जोड़ी, जिसमें से कुछ हमारी जनजातीय लोग जो अभी विलुप्त होते जा रहे हैं उन लोग की भाषाएं को जोड़ी गई, जैसे कि बिलौर हो गई और भी बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं, तो वो लोग को जोड़ी, तो उसको हम वेलकम करते हैं कि हमारी जो भाषाएं हैं, हमारी जो जनजाति हो विलुप्त हो रही है उसको जनजातीय भाषा में जोड़े, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन भोजपुरी, जिसमें भोजपुरी आप जोड़ दिए, उसके साथ उड़िया जोड़ दिए, उर्दू जोड़ दिए, उर्दू आप बताइए कहाँ से क्षेत्रीय भाषा है, कोई राज्य अब क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है, तो आप झारखंड राज्य क्यों दे रहा है। साथ ही भोजपुरी, भोजपुरी हमारे झारखंड में नहीं बोला जाता है, तो भोजपुरी क्यों आप यहाँ पे दीजिए। अब मतलब कि बिहार के लोग यहाँ 10 को आके बैठ जाएंगे, तो उसके लिए भोजपुरी का दर्जा दे दीजिएगा। हम 10 धनबाद या बोकारो के या झारखंड के कोई लोग जाके यूपी बिहार में जाके बैठ जाएंगे, वहाँ पे हमें खोटा का दर्जा दिया या नागपुर का दर्जा दे देगा, ऐसा बिल्कुल गलत हो रहा है। हम जाके वहाँ पे कोई बिजनेस करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ हमारी भाषा को वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दीजिए, ये बहुत गलत हो रहा है। इसका विरोध सभी झारखंडियों को करना चाहिए। और पहले तो धनबाद बोकारो में हो रहा था, धनबाद बोकारो में इसलिए हो रहा था क्योंकि धनबाद बोकारो में ही भोजपुरी मगई का क्षेत्रीय भाषा में जोड़ा गया था, अब पूरे झारखंड में जोड़ दिया गया है। इसीलिए आप आंदोलन का बिगुल राजधानी रांची में होगी और सभी खतियानदारी पहुंच रहे हैं, चाहे जयराम मत हो, चाहे तीर्थनाथ आकाश हो, विकास मत हो, या अमित मत हो, या लोबिन हेमरम हो, या तमाम संगठन के लोग हो, सब लोग अब रांची में एक साथ जुड़ रहे हैं और इस आंदोलन में एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। और ये जो क्षेत्रीय भाषा में जोड़ा गया है भोजपुरी या फिर उड़िया और उर्दू, ये सबको हटाया जाए। आंदोलन का बिगुल राजधानी रांची में होगी और सभी खतियानदारी पहुंच रहे हैं। अरे यार, हमारी झारखंड की भाषा ये नहीं है तो आप यहाँ क्यों डाल रहे हो, तो ये गलत नीतियाँ डाली जा रही है। कल हमने देखा लाइव, आपने भी देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोग मैं बोल देना चाहता हूँ कि तीर्थनाथ आकाश का जो लोकतंत्र न्यूज चैनल है उनमें लाइव टीआरआई विभाग में जाकर सभी खतियानधारी यहाँ के झारखंड की क्षेत्रीय भाषा भाषी लोग वहाँ जाके पूछें कि भोजपुरी किस क्षेत्र में झारखंड की बोली जाती है, कि आप भोजपुरी का दर्जा में आप अपना जो कि रिपोर्ट तैयार किए हैं, वो शोध संस्थान है जो कि रामदयाल मुंडा से पूछा गया, तो मैडम जी का बोलती बंद हो गया, उन्होंने जैसा हाल हो गया। लेकिन वहाँ पे जो खतियानधारी यहाँ के आंदोलनकारी सब हैं, जो यहाँ के भाषा भाषी क्षेत्रीय लोग हैं, उन्हें उनका चेहरा देखकर खुद खराब लगने लगा और उन लोग बाहर निकल गए। मैडम जी खुद कह रहे थे कि हमारे कहने से नहीं होगी, सरकार नीतियाँ, विधायक लोग नीतियाँ बनाते हैं, विधेयक से वहाँ विधानसभा से पास होती है, हमसे सिर्फ राय मांगी जाती है, जो जो चीज़ों की राय मांगी गई मैंने दिया, मैंने भोजपुरी का कभी राय नहीं दिया है, ना कि उड़िया का दिया है, ना उर्दू का दिया है। उन्होंने अपने से कुछ सम्मिलित किए हैं, इसमें मेरी कोई दोष नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आप ज्ञापन दो, सरकार तक ये देने के प्रयास करूँगी। तो कहीं ना कहीं कि जो विभाग में बैठे हैं ना, उन लोग को भी दबाया जा रहा है कुछ ऐसे लोगों के तहत, तो बहुत गलत हो रहा है। झारखंड के लोगों को यहाँ की हक अधिकार भाषा के साथ साथ यहाँ की रोजगार पे, यहाँ की नौकरी पे, हर जगह पे छला जा रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि
आप लोग जो लोग इस आंदोलन से जुड़े नहीं थे, 8-9 महीने से आंदोलन चल रही है, आप और बेहद तरीका से आंदोलन करना होगा, क्योंकि इस तरह से और भी ज़्यादा लोगों को तंग किया जा रहा है, भाषा से, नौकरी से, सभी तरफ से। अरे यार, हमारी भाषा नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे? अब चले जाइए महाराष्ट्र, अब चले जाइए बिहार, अब चले जाइए वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, सब जगह बोलेगा कौन भाषा है, गुजराती है, बिहारी है, झारखंड के झारखंडी भाषा क्या है, भोजपुरी है, 9 भाषा है, झारखंड नाम जाना जाता है, यहाँ की आदिम जनजाति, यहाँ की आदिवासियों के नाम से, हम आदिवासी बहुल राज्य है हमारी झारखंड, और झाड़ जंगल जल जमीन से ही झारखंड का विकसित बना है, और ऐसी यहाँ पे नीतियाँ लाई जा रही है कि इसको तोड़ा जा रहा है, यहाँ के लोगों को हक अधिकार से छीना जा रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि जो लोग आंदोलन में जुड़े नहीं है उन लोग जुड़े और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और हमारी क्षेत्रीय भाषा जो यहाँ पे भोजपुरी जोड़ी गई है, साथ ही उड़िया जोड़ी गई है और उर्दू जोड़ी गई है, इन तीनों भाषा का बहिष्कार होना चाहिए। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि टाइगर जयराम के साथ साथ अब चाहे JBSS हो या JBKYS हो, सभी लोग एक साथ हो गए हैं, या फिर अमित मत हो, सब लोग एक साथ होकर इस आंदोलन में जुड़े हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहा है वो रांची में हो रहा है, रांची यानी हमारे झारखंड का जो राजधानी है, हमारी कैपिटल है, वहीं पे हो रही है। और बता देना चाहूँगा कि अब सभी झारखंडी जाग गए हैं, हमारी झारखंड की अस्मिता की, हमारी झारखंड की भाषा को अगर किसी ने तोड़ने के प्रयास की तो वो जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अपनी पहचान होती है, हमारी पहचान है, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है, इसको अगर आप तोड़ने की या बांटने का प्रयास करेंगे तो बहुत गलत हो रहा है। और मैं बता देना चाहूँगा, कैलाश यादव फिर से आए हैं 1932 को लेकर, सोशल मीडिया में मीडिया बांट दे रहे हैं कैलाश यादव कि 1932 लागू नहीं होगी, और होगी क्यों, हम भी हैं झारखंडी, फिर झारखंडी है तो कल परसों उन्होंने क्या रखा था सवाई कहीं पे, तो वहाँ पे अपलू चपलू गंगा पार ऐसे करके बिहारी लोग को कुछ ऐसे करके बोला, तो उसे दर्द हो गया। अगर वो झारखंडी है तो बिहारी पे उसको कोई लोग बोल रहे हैं तो उसे दर्द क्यों हो रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अगर वो बिहारी नहीं है तो वो बोलते हैं हम झारखंडी हैं, तो फिर उनको दर्द क्यों हो रहा है? तो यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, बाकी आप लोग समझदार हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय झारखंड, जय झारखंड।